नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर्स की दुनिया पर। मेरा नाम है यश जाट। मैं आज बड़ी छादड़ी हूँ जो कि जिला चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है। गांव है करजू। यहाँ मैं करजू आया हुआ हूँ। करजू में यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक कारखाना है जहाँ पर कृषि यंत्र बनाए जाते हैं, और इनकी जो ट्रॉली है वो मेरे पास तकरीबन 20 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ बड़ी छादड़ी आया हुआ था तो मैंने देखा कि यहाँ पर कई प्रकार के कृषि यंत्र और बनने लगे, खास करके इनकी जो ट्रॉली होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर क्या क्या कृषि यंत्र बनते हैं, किस कीमत के किसान भाइयों को मिलते हैं, वो सारे ही देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको फैक्ट्री जो है वो घुमाता हुआ दिखाता हूँ, उसके बाद इनके जो ओनर है उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या बनाया जाता है और किसान भाइयों को किस रेट में दिया जाता है। दोस्तों इधर देखेंगे आप तो यहाँ पर जो है ट्रॉली बनाने का काम हो रहा है, और यहाँ पर लगभग एक साथ 20-30 से 35 ट्रॉली एक साथ बनाई जाती है, एक साथ थर्मे है जो वो इनके काटे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सारी जो ट्रॉली है वो बनाई जा रही है। और यहाँ शायद तकरीबन ये जो डाला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो डाला दिखाई दे रहा है ये तकरीबन 20 इंच की जो है वो डाला है, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये शायद 18 इंच का है। तो यहाँ पर एक साथ कई प्रकार की जो है ट्रॉलियों का काम चलता है, खास करके यहाँ पर ट्रॉली निर्माण का काम सबसे ज़्यादा होता है। चलिए हम बाहर की तरफ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है मशीनें लगी हुई है जिनके जरिए सारी कटिंग का कार्य किया जाता है। इस साइड आप देखते हैं तो यहाँ पर भी सारी मशीनें हैं, सभी मशीनों द्वारा कार्य किया जाता है। काफी बड़ा ये कारखाना है, यहाँ पर सारे कार्य मशीनों से कटिंग वगैरह इनकी की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अब हम चेतक कृषि इंडस्ट्रीज के जो ओनर है उनसे हम बातचीत करते हैं और कृषि यंत्रों के बारे में जानते हैं। तो हमारे साथ सूरज जी है। सूरज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सूरज जी, हमारे सारे दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दीजिए। जी सर, हमारे चेतक कृषि इंडस्ट्रीज सन 83 से इसमें एग्रीकल्चर यंत्र बनाने में लगी हुई है इंडस्ट्री। 83 से बिजनेस हम कर रहे हैं, मेनली हम ट्रैक्टर ट्रॉली का बिजनेस करते हैं। इसके अलावा जितने भी कृषि उपकरण हम आते हैं, जैसे लाइक कल्टीवेटर हो गया, हैरो हो गया, स्प्रे मशीन हो गया, प्लो वगैरह हो गया, ये सारे कृषि यंत्र हम बनाते हैं। इवन चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात तक हम सप्लाई करते हैं। यहाँ से सीधी डायरेक्ट कस्टमर सप्लाई भी करते हैं और डीलरशिप नेटवर्क के थ्रू भी हम सप्लाई करते हैं। तो आप हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी ट्रॉली के अंदर क्या क्या विशेषता है जो दूसरी ट्रॉलियाँ बना रहे हैं उनमें नहीं है। सर, मेनली हम ट्रैक्टर ट्रॉली में ही डील करते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली का ही मेन काम है हमारे। और ट्रैक्टर ट्रॉली में हम मतलब किसान हो गए या जो भी माइनिंग का काम करने वाले हो गए, लोड कैपेसिटी जो रहती है हमारी वो 8 टन से लगाकर 16 टन तक की लोड कैपेसिटी रहती है। इतना टन तक वजन भर सकते हैं, कभी बैलेंस की कभी आज तक कोई शिकायत नहीं आती है। और पूरा हैवी मटेरियल यूज़ करते हैं। लगभग हमारी ट्रॉली का वेट जो आता है लगभग 18.5 क्विंटल ट्रॉली का वेट रहता है। हाँ, पूरी हैवी ट्रॉली बनाते हैं हम इसमें, और चेचिस हो गया या फिर इवन शीट हो गई, सारी चीज़ें हेवी ही यूज़ करते हैं हम इसमें। जी, आपकी ट्रॉली के बारे में मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सारे किसान भाइयों से मैंने सुना है कि आपकी जो ट्रॉली है वो बहुत ही कम केस में पलटी खाने की होती है, और खाने के बाद भी ये डाले वगैरह जो होते हैं बेंड नहीं होते हैं, है ना सर? तो सर, आज आप हमारे किसान भाइयों को कौन कौन सी ट्रॉली आपके पास मौजूद है, उनमें क्या क्या विशेषता है, क्या उसमें आप खास किसान भाइयों को दे रहे हैं, क्या उनकी कीमत है, वो सारी हमारे किसान भाइयों को बताइए। बिल्कुल सर, जनरली सर हम सबसे ज़्यादा ये हमारा रेगुलर मॉडल चलता है, ये हम डिक्स पे 1,36,000 में देते हैं। अच्छा जी, इसमें तो किसान भाइयों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ट्रॉली, अभी इनकी जो सबसे कम कीमत वाली ट्रॉली हम इसे मान सकते हैं ना, रेगुलर मॉडल ये है। और भैया ने बताया 1,36,000 बिना टायर के। जी, बिना टायर। 1,36,000 में बिना टायर के ये ट्रॉली है।
इसमें हम 8 mm का फर्श यूज करते हैं सर, और 3 mm का ये इसमें शीट रहता है, 50-5 का एंगल यूज करते हैं, और जो फ्रेम है वो पूरी 4-2 के चैनल में यूज करते हैं, और जो कबानी जो है सर, लाइक ये लीलैंड की कबानी रहती है सर, 56 की कबानी बोलते हैं इसको, ये इसकी 12 टन कैपेसिटी रहती है, 120 क्विंटल तक अपन वजन भर सकते हैं, और चेचिस जो इसका रहता है वो 8-3 की चैनल का चेचिस रहता है जी, और एक्सल जो यूज करते हैं हम इसमें, ये 75 mm का एक्सल रहता है, 13-16 के बेयरिंग लगते हैं इसमें। तो सर इसमें किस साइज के टायर किसान भाई डाल सकते हैं? इसमें सर 916 भी लगा सकते हैं, 920 भी लगा सकते हैं, और 1020 भी लगा सकते हैं, तीनों साइज के टायर, और 825 के टायर भी लगा सकते हैं, चारों वो उसी का टायर के अकॉर्डिंग डिस्क लग जाती है। अच्छा, जी। और इसमें कितना वजन किसान भाई ले जा सकते हैं? इसमें सर 80 क्विंटल से लगाकर 160 क्विंटल तक वजन बढ़ सकते हैं। हाँ, इसकी क्षमता है, वो कस्टमर की डिमांड के हिसाब से रहता है, अगर उनको 80 क्विंटल वजन बढ़ना है तो उस अकॉर्डिंग हम कबानी लगाते हैं, अगर कोई किसान भाई बोलते हैं हमें 120 क्विंटल वजन बढ़ना है तो उस अकॉर्डिंग हम वजन कबानी डालते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो ट्रॉली है ये 1,36,000 रुपए की ट्रॉली है, और ये आपका ट्रेडमार्क है ना, लोगो है, यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिएगा इस तरीके का। अब चलिए नेक्स्ट ट्रॉली के बारे में हम सर से जानते हैं। सर ये अलग, थोड़ा सा अलग पैटर्न लग रहा है मुझे, इसकी क्या विशेषता है? ये सर हमारा न्यू मॉडल है, इसे हमने 5-6 साल से ही बनाना स्टार्ट किया है। इसमें जो शीट लगता है ना सर, ये पूरा शीट से ही बेंड करके डाला बनाया हुआ है, पूरा मोल्डिंग करके प्रेस में डाला बनाया हुआ है। इसका शीट का जो थिकनेस रहता है वो लगभग 3.5 mm का थिकनेस रहता है, ठीक है ना, और इसी शीट को हमने मोल्डिंग करके बनाया हुआ है। इसमें कहीं भी पानी लगने की, पानी जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती है, पूरा फ्रेश डाला रहता है। इसमें अंदर की साइड मतलब वेल्डिंग का बहुत कम यूज किया हुआ है, पूरा मशीन पे ही डाला बनाया हुआ है। किसान भाइयों, यहाँ पर सूरज भैया ने बहुत ही अच्छी बात बताई है, मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा। इन्होंने यहाँ पर आपने अक्सर ट्रॉली के अंदर देखा होगा, यहाँ पर एक कट लगा हुआ रहता है, छेद होता है, उसके अलावा यहाँ का जो हिस्सा है इस साइड अलग से वेल्ड किया जाता है, और अंदर की जो साइड है यहाँ पर अलग से वेल्ड किया जाता है। लेकिन इन्होंने इस ट्रॉली के अंदर ऊपर से लगाकर यहाँ तक इसको ऐसे ही जो है बेंड किया, और यही पाइप इसको बनाया है, यानी कि वेल्डिंग की जो स्थिति है वो बहुत ही कम है, इसमें बहुत कम वेल्ड किया गया, इसी को घुमाकर ये दोनों ही पाइप तैयार किए गए। इसका पता है फायदा ये होता है कि इसमें पानी भरा रहता नहीं है, और पानी नहीं भरा रहेगा तो जंग लगने की जो स्थिति है वो कम रहेगी, और मजबूती भी आएगी, है ना, जितना कम वेल्ड होगा उतनी मजबूती आएगी। और इसके अलावा क्या विशेषता है सर इसकी? इसमें सर जैसे जनरली हम पहले वाले मॉडल में नाली से प्रेस ब्रेक लगाते थे, इसमें हमने कैप्सूल एक नया डिजाइन दिया है, कैप्सूल प्रेस ब्रेक का। तो जिस इसका बेनिफिट ये रहता है सर, एक तो जैसे यहाँ जो है ना नाली रहती है तो यहाँ से डस्ट वगैरह अंदर जाने की गुंजाइश रहती है, तो वो कैप्सूल ही आके खत्म हो गया, तो यहाँ पैकेट चिपक के लगता है, तो पानी वगैरह नहीं जाता है यहाँ से, डस्ट वगैरह नहीं जाती है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे ट्रॉली के अंदर कोई लेबर वगैरह बैठी है तो बैठते टाइम पीछे मतलब उनको जल्दी बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, नाली वाली ट्रॉली में थोड़ी ज्यादा बैठने में दिक्कत रहती है लेबर को। तो कैप्सूल का ये फायदा बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, मतलब कैप्सूल यहाँ तक यहीं खत्म हो गया, इससे अंदर तक नहीं गया, वरना अंदर तक जाता है और डस्ट वगैरह और धूल रहती है, फिर पानी लगता है, फिर सड़न होती है, और अंदर की साइड भी बैठने वाले को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, पहले ऐसी नाली टाइप बनी हुई रहती थी। जी सर, इसकी क्या कीमत आपने रखी है हमारे किसान भाइयों के लिए? इसकी सर 1,40,000 है इस ट्रॉली से, और इस ट्रॉली में लगभग 4-5 हज़ार का डिफरेंस रहता है। हाँ, इसमें ये मेनली जनरली डालों का ही विशेषता है, डाला अपन पूरा हेवी यूज करते हैं, हेवी चद्दर में यूज करते हैं, इससे इसका लगभग 1,40,000 की कीमत रहता है इसका। तो सर ये पूरी तैयार 1,40,000 में है, या फिर टायर वगैरह अलग रहते हैं? नहीं साहब, इसमें टायर और डिक्स मतलब टायर और फंटे अलग रहते हैं, मैं आपको टायर और फंटे सहित जी प्राइस। चलिए ये कौन सा मॉडल, थोड़ा इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये सर जनरली जो अपना रेगुलर मॉडल था ना नाली वाला, उसी में अपन ने उसी एंगल फ्रेम में अपन ने सिर्फ शीट को इम्बोस डाला है, ताकि उनको यहाँ वो सड़न वगैरह की वो शिकायत नहीं आए। बस ये है कि उसमें शीट से ही बेंड किया हुआ डाला नहीं रहता है, एंगल का फ्रेम बना के फिर ये डाला बनाया जाता है। तो किसान भाई, जो पिछली वाली ट्रॉली में मैंने पहले जो मॉडल भैया ने बता रहे थे, वहां पर आपने देखा होगा यहाँ अंदर जो है उसके अंदर गैप नहीं थी, वो पूरी ही एक जैसी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके के जो है एंगल लगाकर ऊपर का ये किया गया है। यहाँ पर भी आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर भी एंगल लगी हुई है जी। और ये आपका फुली लोडेड मॉडल है ना?
जी हमारा फुली लोडेड ऐसा कैसा है, मैंने भी बनवाया था जी, वो जी बिल्कुल इसकी इसके बारे में बताइए जी। इसमें सर जैसे जनरली 1,36,000 ट्रॉली की कीमत हो गई सर, और ये लगभग 36 इंच के डाले हैं, 18-18 इंच के दो डाले बने हुए हैं ये सर। इसमें कस्टमर को सुविधा है, पूरा डाला एक साथ उठाने करने में दिक्कत रहती है, इसे दो पार्ट में लगाया जा सकता है। इसकी 22,000 कीमत रहती है, और साथ ही हमने MRF के मसल रोक के जो टायर है 920 के वो टायर दिए हैं, इनकी लगभग 32,000 की इनकी कीमत रहती है सर। अच्छा। तो ये जनरल लगभग पूरी कंप्लीट टोली है सर, ये 1,92,000 रुपए की है। 1,92,000 के अंदर टायर वायर सारे लगे लगाकर पूरा कंप्लीट डाले सर। और कोई किसान भाई सिर्फ डाले बनवाना चाहता है तो सर डाले अपन 12 इंच की साइज से लगाकर 36 इंच की साइज तक बनाते हैं, ये लगभग जनरली 10,000 से लगाकर 22,000 तक के डाले बनते हैं। और कोई डाले नहीं बनवाना चाहे और टायर सही ट्रोली लेना चाहता है तो टायर MRF के लगाते हैं अपन, तो वो 25,000 से लगाकर 36,000 तक के टायर रहते हैं जी सर। मतलब अगर कोई टायर नहीं लगवाना चाहे तो वो अपनी इच्छा अनुसार भी लगा सकता है, और यहाँ से भी आप लगा के दे सकते हैं वो लगवाना चाहे जी लगा के। इसमें यदि हम ग्रेन की बात करें, अनाज गेहूँ वगैरह, तो कितना आ जाता है इसमें सर? जनरली 18 इंच की जो ट्रोली है ना, इसमें 20 क्विंटल गेहूं आ जाता है जी, ठीक ना। अब इसमें 18 क्विंटल 18 इंच के डाले और हो गए, 20 क्विंटल ये और हो गया, और एक तीसरा डाला और 18 इंच हो गया, लगभग इसमें 60 क्विंटल गेहूं आ जाता है, 60 से 65 क्विंटल गेहूं इसमें आ जाता है। मैंने अपने जो गेहूं है पूछा तेजस का वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने 55 क्विंटल के लगभग ट्रोली पूरी भरी थी, तो बराबर इसके अंदर 55 क्विंटल जो है गेहूं वगैरह आ सकते हैं जी। इसकी जो कीमत आपने बताई 1,92,000, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये ट्राली पूरी। मैं बताना चाहूंगा सर, इस पूरी ट्रॉली में हमने ज्यादा से ज्यादा रेडियम का उपयोग किया है, जैसे ये स्टिकर हो गया, ये हो गया, सारी चीजें रेडियम में यूज की। इसका एक बेनिफिट ये रहता है सर, ट्रॉली में कोई लाइट वगैरह तो लगी रहती नहीं है, तो ये ट्रॉली क्या चारों तरफ से रात के टाइम में चारों तरफ से कहीं से भी लाइट गिरती है ना, तो ये ट्रॉली चमकने लग जाती है, सब तरफ रेडियम लगा होने की वजह से, तो ये एक्सीडेंट वगैरह के ये चांस भी कम रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, पहले के जमाने में सिर्फ यहाँ कलर से नाम लिखे हुए रहते हैं, लेकिन अब सब तरफ इन्होंने रेडियम लगा रखा है, जिससे क्या है कि रात के समय में लाइट गिरने से ट्रॉली दूर से भी पता चल जाती है, और जिससे एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते हैं जी। एक सेफ्टी पर्पज हमने यहाँ इसमें बम्पर भी दिया हुआ है जी, सेफ्टी पर्पज, ताकि पीछे से कहीं एक्सीडेंट वगैरह के चांस हो या फिर कोई टकरा जाए तो ये बम्पर भी हम पीछे से देते हैं। अच्छा, सेफ्टी के लिए जी, जी जी। और ये पीछे रबड़ के गुटके वगैरह भी लगाते हैं, जैसे डाला है बार बार खोलना पड़ता है, जनरली सबसे ज्यादा डाला यही यूज में आता है, इस डाले को बार बार खोलना बंद करना पड़ता है, तो इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ बेंड नहीं हो, इस वजह से हमने यहाँ ये रबड़ के गुटके भी हमने एक्स्ट्रा लगा के दिए। अच्छा अच्छा, ये रबड़ से, ताकि ये डाले को नुकसान नहीं हो ना जी जी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी शानदार ट्रॉली, और काफी समय से आप ट्रॉली का काम कर रहे हैं सर, 1982 से। सालाना कितनी ट्रॉली आपकी सेल हो जाती है सर? सालाना सर अपनी लगभग 500 से 600 ट्रॉली अपन निकाल देते हैं, महीने की अपन 50 से 55 ट्रॉली महीने की अपन प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि मैं कारखाना में था तब मुझे दिख रहा था 30-35 ट्रॉली एक साथ बनाई जा रही थी, तो कितनी ट्रॉली आपके यहाँ एक साथ बना के रेडी करते हैं? अपन 35 ट्रॉली एक साथ बनाते हैं साहब, 35 ट्रॉली अभी बनाने की कोशिश, 35 ट्रॉली का अपन एक बेच बनाते हैं, वो लगभग 20 से 25 दिन में बन के कम्प्लीट हो जाता है। अगर कोई किसान भाई ट्रॉली खरीदना चाहता है और सीधा आपके यहाँ आ गया, तो क्या उसको रेडी ट्रॉली उसी दिन मिल जाएगी या फिर टाइम लगेगा उसमें, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ट्रॉली में क्या होता है सर, हर कस्टमर की या हर एरिया के हिसाब से अलग अलग डिमांड रहती है, किसी को टायर अलग चाहिए, किसी को फंटे अलग चाहिए, किसी को ट्रॉली अलग टाइप की चाहिए, तो वो एज पर ऑर्डर ही बनाई जाती है, और जो रेगुलर मॉडल जो होता है हमारा वो एनी टाइम तैयार रहता है, वो कस्टमर को एनी टाइम मिल सकता है, वो आके चाहे बुकिंग ना करवा के सीधा ले जाना चाहे तो भी ले जा सकते हैं, और जो अगर उनकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट रहती है तो फिर हमें 20 से 25 दिन का समय लगता है उसको कंप्लीट करवाने में, क्योंकि वो पूरा उसी बेच के साथ कंप्लीट होती है ट्रॉली। तो यहाँ पर किसान भाइयों, ट्रॉली आपको अगर रेगुलर वाली चाहिए तो रेगुलर में तो इनके पास उपलब्ध है, लेकिन अलग अलग अपनी जरूरतों के हिसाब से भी ये ट्रॉली का निर्माण करते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती है, तो किसान भाइयों को अलग अलग तरह की ट्रॉली की आवश्यकता होती है, तो वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। सर आप एक बार थोड़ा सा हम किसान भाइयों की स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक आपकी क्या ट्रॉली की प्राइस रहती है वो हमारे किसान भाइयों को बताइए। जनरली सर अपनी ट्रॉली की स्टार्टिंग 1,36,000 से स्टार्टिंग रहती है, उसके बाद अपन 2,00,000 तक ट्रॉली बनाते हैं अपन, कोई जैसे विथ टायर लेना चाहता है तो वो 1,60,000-65,000 के आसपास विथ टायर की ट्रॉली पड़ जाती है, कोई डाले सहित लेना चाहे तो वो 180-185 की पड़ जाती है, अगर कोई माइनिंग पर्पज़ या सीमेंट पर्पज़ चलाना चाहे ट्रॉली को तो वो ट्रॉली लगभग 2,00,000 के आसपास टायर फंटे सहित पड़ती है। वजन के ऊपर भी निर्भर करता है जी, और इनका पंप वगैरह में भी कुछ खासियत रहती होगी जी, पंप भी रहता है सर, पंप
उसमें अपन 12 टन का भी डालते हैं और 18 टन का पंप भी डालते हैं। दोनों लोड कैपेसिटी का पंप रहता है, जो जनरली 5 टन और 10 टन के नाम से आता है उसमें 5 टन का जो पंप होता है उसकी 12 टन वजन उठाने की कैपेसिटी होती है, और जो 10 टन का पंप होता है उसकी 18 टन वजन उठाने की कैपेसिटी होती है। अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहता है तो वो किस समय कर सकता है, क्या आपके नंबर है वो भी हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी सर, हमारा वैसे गूगल लोकेशन इस पे गूगल पे दिया हुआ है, कोई भी चैतक कृषि इंडस्ट्रीज के नाम से सर्च करता है तो हमारा गूगल लोकेशन उसमें आ जाता है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ रहता है। फिर भी मैं अपना फैक्ट्री का कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूँ, 9929810114। इस नंबर पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जनरली हमारा फैक्ट्री टाइम 9:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक का रहता है। जी तो दोस्तों, सूरज भैया ने काफ़ी अच्छी जानकारी इस वीडियो में दी, और इनकी जो ट्रॉली है काफ़ी फेमस है, राजस्थान के साथ साथ एमपी के अंदर भी काफ़ी फेमस है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।